अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो दिस इज़ मी ऑल या है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेबी गर्ल ईद ड्रेसेस आइडियाज़ मैंने कहा ईद आने वाली है आप लोगों ने बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस बनाने होंगे जितने भी आइडियाज़ मेरे पास थे जो मैंने देखे हुए थे कुछ पिक्चर्स में कुछ ब्रांड्स के थे जिन जिन लोगों के भी थे मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए अपने बच्चों के ड्रेसेस अगर आपने खुद स्टिच करवाने हैं या दर्जी को भी देने हैं तो आप पिक्चर्स दिखा के दे सकते हैं फर्स्ट ड्रेस पे आते हैं ये देखें उन्होंने लूज ट्राउजर बनाया हुआ है और साथ में शर्ट बनाई हुई है और क्योंकि आपको पता है ईद के हिसाब से दुबट्टा मस्ट होता है और लेसिस लगा के इसको कम्प्लीट किया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जिस तरह का मम्मी पहन रही है वैसी बेटी देखे नीचे लेसेस लगी हुई है ब्लैक कलर की सिंपल फ्रॉक है बहुत फिट लग रहा है नेक्स्ट ड्रेस पे आते हैं ये देखिए उन्होंने साथ में लहंगा किया हुआ है क्योंकि मौसम इस तरह के आप सर्दियों वाली भी थोड़ी थोड़ी चीज पहन सकते हैं इतनी ज्यादा गर्मी अभी नहीं आई नेक्स्ट ड्रेस पे आते हैं ये देखें ये भी इसी तरह ही है उन्होंने लहंगा किया हुआ है और साथ में जो शर्ट है उसके साइड पे फ्रिल लगा के उन्होंने जो बैक पे दुबट्टा चला जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नेक्स्ट ड्रेस पे आ जाते हैं ये भी लहंगा ही है क्योंकि बच्चियाँ जो हैं वो ईद के फर्स्ट डे लहंगे शरारे गरारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं कमीशलवार तो भी उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये इस तरह की चीज़ें हैं कि आप ईजिली खुद बना सकते हैं प्रिंटेड चीज़ें लेके उसके ऊपर थोड़ी सी एम्बैलिश खुद करके वो कर सकते हैं अगर कुछ लोग फ्रॉक्स चाहते हैं तो उनके लिए देखें ये उन्होंने नेट की फ्रॉक बनाई हुई है और जो यॉक है उस पर थोड़ा सा काम किया हुआ है गैदर्स दे दें आप प्लीट्स दे दें जो भी आपका दिल करे नेक्स्ट जो फ्रॉक है वो बर्थडे के लिए भी बहुत बेस्ट है और ईद के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बच्चों के लिए कोई एक ड्रेस थोड़ी बनाना होता है इतने ज़्यादा बनाने होते हैं तो उसके लिए ये जो आइडियाज़ हैं ये बहुत अच्छे हैं कि अगर आपने पहले दिन अगर कमीज कमीशलवार कर लिया कि शरारा गरारा कर लिया दूसरे दिन आप फ्रॉक कर लिया तीसरे दिन आप जीस शर्ट भी कर सकती हैं या आप दोबारा से कोई एलिमेंट चेंज करके उसको कर सकती हैं लहंगे फॉर्म में कर सकती हैं जिस तरह आपका दिल करे ये देखें ये मैंने वो ड्रेसेज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि वो उस तरह जाके सर्च करके ड्रेसिज़ के डिज़ाइन नहीं निकाल सकते मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं इसलिए मुझे ये होता है कि मेरा प्रोफेशन ये है तो मैं जो अपनी वीडियोस बना रही होती हूँ क्योंकि मैंने एक दो तो बच्चों के डिजाइनिंग वाले बनाने हैं माशाल्लाह मेरे घर में भी भांजी आई है छोटी सी आई है ये उसके अलावा भी मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं लेकिन वो कितने ही हो जाएंगे तो ईद है डिफ्रेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं तो मैंने कुछ डिज़ाइन आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किए हैं ताकि आप लोग देखें और अगर आपने इससे लेके कुछ बनाना है तो आप बना सकें ठीक है कुछ भी इस तरह नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है कहाँ से आएगा कभी कभी तो इसी तरह होता है कि आपके ड्रेस में से ही कपड़ा बचा होता है लेकिन आपको वो इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा होता कि बेसिकली हम उसका बनाएंगे जिस तरह ये देखें ये शरारा बिल्कुल सिंपल है सिर्फ रिबन लगा हुआ है यही बात होती है कि जब आप डिज़ाइन देख लेते हैं आप ऐसी चीज़ें सेव कर लेते हैं तो आपको जो फैब्रिक का इस्तेमाल है कि उसको किस तरह हमने यूज़ करना है ज़ाया भी ना जाए मैंने भी अपनी जो न्यू बॉर्न भाजी है हमारे जो कपड़े पहले के बच्चे पड़े हुए थे या कहीं से भी कोई छोटे मोटे पीसीज हमने छोटे से ला के रखे हुए थे मैंने उसकी डिज़ाइनिंग एक दो वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई हैं और साथ साथ मैं वो लाजमी अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगी ताकि आप लोग भी देख सकें कि अगर घर में इतने पीसीज पड़े हों तो जब न्यू बॉन बेबी होता है एक दो महीने का हो जाता है जब गर्मियाँ आती हैं गर्मियों में ही आप लोग इस तरह के हैंडमेड कपड़े पहन सकते हो सर्दियों में ज़्यादा यही होता है नेक पहन ले फ्रॉक्स उस तरह की बन जाती हैं जीन्स शर्ट या अपर वग़ैरह पहनना होता है तो आप लोगों को यही होता है कि वो बच्चा पैक पैक रहे उसको ठंड ना लग जाए इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है सर्दियों में लेकिन गर्मियों में हम अपने बच्चों के लिए जिस तरह के चाहे कपड़े बना सकते हैं ये देखिए ये कितना अच्छा ड्रेस लग रहा है इतना सा फैब्रिक तो शर्ट का जो है वो आराम से किसी ना किसी कपड़े से बच जाता है इसी तरह ही होता है फिर आप डिजाइन बना बनाना जिस तरह ये देखिए ये शॉर्ट में फ्रॉक है और ये ईद के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे हैं अगर आप टिशू वगैरह के फ्रॉक्स को पीछे कर देना क्योंकि ईद पे मुझे इतनी ज्यादा वो अच्छी नहीं लगती लेकिन मैंने इसलिए पिक्चर्स आप लोगों को दिखाई हैं ताकि कुछ लोग चाहते हैं उस तरह की भी चीजें तो हर बंदे की

कि ये भी साइड नेक बनाई हुई है और साथ में ये आप लेस यूज कर लें अगर लेस नहीं आपने कोई कढ़ाई करवानी है वो करवा लें अगर आप पैच लगवाना चाहें तो आप पैच भी लगवा लें ठीक है इसलिए मैंने कहा अभी दिन काफी पड़े हुए हैं अगर कोई इस सर्च में है कि अपने बच्चों के किस तरह के ड्रेसेस बनाने हैं या अगर कुछ मम्मा ने अपने साथ का बनवाना है तो देखें उसका भी मैंने डिजाइन आप लोगों को बताया कि आप भी फ्रॉक पहन सकते हैं बच्चा भी फ्रॉक में बहुत अच्छा लगता है शलवार बहुत अच्छी लगती है लेकिन ईद पर यह हो जाता है कि अगर आप फ्रॉक शरारा गरारा कुछ भी कमीशवार बनाएं तो साथ में बच्चे के लिए छोटा सा टिशू या नेट का दुबट्टा लाजमी बना लें उसके साथ एक ईद की बहुत ज़्यादा ग्रेस आती है बच्चों ने जब चूड़ियाँ पहनी होती हैं साथ में उन्होंने जब खुसा पहना होता है तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और छोटे बच्चे को ये वाली चीज़ें मुझे उन पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये देखें ये भी ऑल ओवर है सेम ड्रेस है एंड में मैं कुछ पिक्चर्स बच्चों के पहनी हुई भी आप लोगों को दिखाऊंगी लगा दूंगी साथ में ताकि आप लोगों को पता चले कि बच्चे कैरी जब इस तरह करते हैं तो कितनी अच्छी उनकी लुक आ रही थी जिस तरह ये फ्रॉक है ये थोड़ी इंडियन फ्रॉक की लुक है जो ऊपर से भी वी और नीचे से बैक वी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उस जगह पे आप गैदर्स दे दें आप प्लीट्स दे दें तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं ये भी देखिए उन्होंने बड़ा वी करके उसके अंदर थोड़ा सा काम किया हुआ है बाकी फ्रॉक सिंपल है साइड पर उन्होंने लेस अटैच कर दी है थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं इतनी इतनी तो लेसिस भी हमारे घर में हमारे ड्रेसिस के साथ से बची होती हैं बस बात यह है कि हर चीज़ बस फटाफट बाजार नहीं लेने चले जाना होता खुद घर में ट्राई किया करें जिनके बच्चे हैं वो तो मैं उनको लाजमी उन मदर्स को कहूँगी कि आप लाजमी खुद स्टिचिंग किया करें क्योंकि आपको पता है कि जितने का हमारा ड्रेस आता है ना उतने की ही हमें स्टिचिंग पड़ जाती है मेरा तो ये काम है मुझे तो ये अच्छा लगेगा लेकिन मैं सबके लिहाज से सोच रही हूँ सबके बिहाव से बोल रही हूँ कि आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग खुद स्टिचिंग किया करें आप जितने भी अमीर हो जाए ना जैसे कहते हैं ना हमारे पास तो बहुत पैसे है, हम तो आराम से देते रहेंगे लेकिन जब आप सिलाई वाले को देते होते हो ना तो आपको अंदर से मसला हो ही रहा होता है ठीक है ना आप क्यों कहते हो कि भाई कम कर लें अगर आपको मसला ना हो तो आप इजीली जितने पैसे वो मांग रहे हैं वो दें नहीं लेकिन कुछ चीज़ों का आप लोगों का मसला होता है कि नहीं इतने ज़्यादा पैसे क्यों दें ये तो छोटा सा ड्रेस है और आपको मैं एक बात बता दूँ जितनी बड़ी कोई भी ड्रेस आप स्टिच कर रहे होते ना किसी बड़े बंदे का छोटा जो है वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन जब हम पैसे देने की बारी आती है तो हम कहते हैं वो तो बड़ी कमीज थी ना इसलिए ज्यादा पैसे हैं छोटी के तो थोड़े लेना लेकिन ऐसा नहीं होता जो जिस काम में पड़ जाता है ना उसको फिर ही पता चलता है ठीक है ये देखें अब देखें इन्होंने नीचे बिल्कुल बारीक बारीक रिबन लगाए हुए हैं और ईद की कलेक्शन जो होती है वो इसी तरह की होती है वो जितनी देसी फॉर्म में होगी उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी ये देखें बच्ची ने पहनी हुई है कितनी अच्छी लग रही है साथ में आप खुसा कर लें कुछ भी इस तरह के ड्रेसेस कर लें उम्मीद है कि आप लोगों को इन ड्रेसेस से कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा अगर कुछ फायदा हुआ है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है बेशक थैंक यू ना करें एटलीस्ट बता दिया करें साथ में टच में रहा करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखें घर वालों का ख्याल रखें मुझे दुआ में याद बाय